थाना एत्माद्वारा क्षेत्र अंतर्गत रामबाग पार्क में आए दिन युवतियों से छेड़खानी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, परंतु थाना पुलिस इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसा ही एक मामला विगत दिन का सामने आया है, जहां मनचले ने पार्क में आए दंपत्ति से मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। तत्काल पुलिस ने पहुंचकर मनचले को पकड़ लिया और उसके खिलाफ थाना पुलिस विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। थाना एत्माद्वारा क्षेत्र अंतर्गत रामबाग पार्क से एक मामला सामने आया है, जहां नववर्ष का आनंद लेने पहुंचे दंपत्ति को मनचलों ने पकड़ लिया और महिला से हद दर्जे की अभद्रता कर दी। जब महिला के पति ने युवकों से हाथ पैर जोड़कर गुहार लगाई, तो मनचले युवकों ने पीड़ित को बुरी तरह मारा पीटा। पीड़ित ने तत्काल पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पर दी। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, परंतु पुलिस के पहुंचने से पहले युवक भाग खड़े निकले। वहीं एएसआई कर्मचारी की सूझबूझ के कारण एक मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे डिवीजन चौकी रामबाग लाया गया। वहाँ पे मैं वहाँ पे तुरंत ही घुसा था रामबाग पार्क में। यहाँ पे मैं अंदर घुसते ही मैं अंदर यहाँ पहुंचा, तो वहाँ पे ऊपर से लोगों ने पहले तो ईंटें वगैरह फेंकी, तो मैंने कहा नीचे उधर गया हूँ, तो मैंने सोचा एक दो लोग होंगे, लेकिन वो तो 10-20 लोग थे जो उनकी पूरी गैंग थी, जो सबके सब दारू और नशा वगैरह करे हुए थे। उन्होंने आके नीचे आके मार भी, मैं फिर भी वहाँ से इन्हें देख के मैं वहाँ से भागने लगा, तो ये मेरे पीछे भागते भागते मुझे मारने लगे। बहुत 10-12 लोगों ने मुझे काफ़ी मारा, खून वगैरह भी आया कान वगैरह से भी और मुँह से भी, और मेरे हाथ वगैरह में भी चोट है काफ़ी, और मेरी गले से चैन और मेरा हेलमेट दोनों ले गए हैं। चैन मेरे हाथ, मेरी चैन टूट गई थी हाथ में थी, ये वहाँ पे सभी लोगों ने देखा था, और हाथ से ये छीन के ले गए थे, और मेरा हेलमेट भी ये पूरा ले वहाँ उठा ले गए हैं। मैंने पुलिस को भी सूचना दी है और मुख्यमंत्री आवास पर भी कॉल की है। हाँ, उन मेरे साथ मेरी वाइफ थी, उसके साथ भी काफ़ी बदतमीजी की है और छेड़खानी भी की उसके साथ, उसको भी गाली गलौज और मारपीट की है उसके साथ में भी। पीड़ित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रामबाग पार्क घूमने गया था। उसी दौरान पार्क में मौजूद कुछ युवक मेरी पत्नी को देखकर अश्लील बातें करने लगे। जब मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने मुझे जमकर मारा पीटा और उनके चंगुल से छूटकर मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक मनचले को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके बाकी साथी भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए मनचले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।